दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों से शुरुआत करूं, क्योंकि मैंने आपको बीच से छोड़कर चला गया था और अब आपके सामने मैं आया हूं। अभी बाहर से था, वहां से आया हूं, तो सोचा आपके लिए तो क्लास बना देता हूं जब तक हूं। क्योंकि यार मुझे अंदर से हौसला सारा कुछ ऐसा लगता है कि यार फिर बताइए आया हूँ और आप क्या बोलेंगे। बहुत ही मतलब अजीब सा लग रहा है कि छोड़कर फिर आना, फिर बीच में ऐसे बनाना। तो यार क्या किया जाए, वक्त और हालात आदमी को कहाँ से कहाँ मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए, है ना। क्योंकि यार स्टूडेंट होता है ना, वो दिखता क्या है अंदर से, वो तो वही जानता है। पूरा अंदर से टूटा हुआ आज का युवा देखो जहाँ, तो बहुत ही समस्या है। तो यार सबको देखना पड़ता है ना। तो चलिए दोस्तों, सब चीज रखते हैं साइड में और नए साल की शुरुआत, और नए साल को आपको सभी दोस्तों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी इच्छाएं पूरी हों, इच्छाएं और आप परिवार को और अपना ख्याल रख सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वैसे भी तमाम बातें कभी बात करेंगे, लेकिन आज हम जो याद करने वाले हैं राज्य और राजधानी। पिछली वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, 4.5 के ऊपर ही, यानी 4.5 लाख के ऊपर ही व्यूज इसमें गए हैं। तो मैंने सोचा कुछ चेंज हुए हैं, क्योंकि यूटी और स्टेट में तो कम ज्यादा हुए, तो सब कुछ आपको नए तरीके से मैं रिवाइज करा देता हूँ, और जो भी हमारे नए भाई बहन हैं उनको याद करने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से वो याद कर पाएंगे, ठीक है। 28 राज्य और 8 यूटी आपको याद कराएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में मैंने एक राज्य छोड़ दिया, उसको आप कमेंट में करिएगा और उसकी ट्रिक बनाकर कमेंट करिएगा कौन सा स्टेट है, ताकि पता चले कि भाई आपको सीरियसली याद होते हैं या फिर देखते हैं क्लास या नहीं देखते लास्ट तक, और इनमें आप सच में ध्यान लगाते हैं या नहीं लगाते, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जहां से हम हैं भाई उत्तर प्रदेश, तो वहीं चालू करते हैं। ओके, यूपी के देखिए लखनऊ बड़ी ही जी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अदर स्टेट वालों की अगर बात किया जाए, देखिए उत्तर प्रदेश, यूपी की बात किया जाए, मतलब अप। जैसे दोस्तों होता है कि हमारे जो भी छोटे भाई बहन होते हैं, जैसे राम जी के लखन थे, वो हमेशा उनके क्या अप हुआ करते थे, तो इस तरह याद कर सकते हैं अप, ठीक है, यूपी। ओके, तो यहां से याद कर सकते हैं उत्तर, या फिर जो भी उत्तर देने में थे मतलब प्रत्युत्तर, वो भी लखन जी थे, इस तरह भी याद कर सकते हैं, तो याद ही हो जाएगा सिंपल। देखिए अगला है मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, भोपाल, यानी कि मध्य, गोपियों के मध्य में कौन हुआ करते थे, कृष्ण गोपाल, सिंपल याद हुआ ना, कृष्ण गोपाल यानी भोपाल, गोपाल गोपाल किसके मध्य रहते थे, गोपियों के, तो मध्य प्रदेश हुआ। ओके, आंध्र प्रदेश आता, अमरावती, आंध्र, अंधा पी से कुत्ता खाया ना, तो ऐसे एक कहानी कहावत भी है, तो इस तरह समझ सकते हैं कि अंधा जो होते भाई, मान लीजिए भगवान जी एक बार आए और उन्होंने बोला कि सब लोगों को मैं अमर होने का वरदान देता हूं, तो जो भी ब्लाइंड थे भाई, तो वो कह रहे हम क्या करेंगे अगर हम कुछ चीज देख ही नहीं पाएंगे, हम नजरों से सारा देश और सारा अपना जो भी है आसपास का माहौल, तो हम क्या करेंगे अमर होकर, तो इस तरह कहानी एक बना सकते, अमरावती, ठीक है, अमरवती, आंध्र प्रदेश की भी हाल में हुए, पहले हैदराबाद हुआ करती थी इसकी राजधानी, है ना। तो पिछली वीडियो में हैदराबाद थी, लेकिन अभी दोस्तों अमरावती हो गई, तो इसको याद रखेंगे, अंधा पी से कुत्ता खाए, यानी कि दोस्तों इस तरह समझ सकते हैं, अगर आप किसी का मेहनत खाएंगे तो आप अमर नहीं होंगे, इस तरह आप समझ सकते हैं। अमर से रिलेटेड नहीं, मतलब यार कि आपके साथ अच्छा नहीं होगा, अमर का अर्थ ये समझिए कि आपके साथ अगर आप दूसरे की मेहनत खाएंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, अच्छा, अच्छे मतलब अमर। ओके, यहां से कनेक्ट कर सकते हैं, रियल है, ठीक है। अगला दोस्तों तमिलनाडु, तमिलनाडु की चेन्नई याद कैसे करेंगे, देखिए तमिल मतलब आजकल क्या जीएफ बीएफ या कुछ भी इस तरह होता है, तो यार मिलने का हमेशा बेचैन रहता है, जब मिल लिया जाता तो कितना चैन दिल को मिलता है ना, या किसी से यार दोस्त होते हैं बाहर रहे, तो ये कहें कि यार मिलो ना मिलके काफी दिन हो गए मिले, तो जब मिलते हैं तो वास्तव में चैन आता है दिल को, चेन्नई चैन है था कब, जब मिलते हैं यार दोस्त मिलके, ठीक है। आगे भाई है केरल, केरल का है तिरुवंतपुरम, देखिए केला, केला जब खाते हैं तो वास्तव में आनंद आता है, या फिर देखिए केला जब भी आप खाएंगे, साइड में लगा दूंगा क्लिप एक है, तो उसमें देखेंगे दोस्तों जब भी आप छिलका उतारेंगे ना, तो तीन ही आप पार्ट में उतारेंगे उसको, 1, 2 और 3, ऐसे 1, 2, 3, तीन पार्ट से ज्यादा नहीं केला आप उतारेंगे, मतलब मोस्टली जो भी होते हैं तीन पार्ट में केला छिल जाता है, ठीक है। तो तीन तिरु तीन क्या केला, केरल। आगे कर्नाटक, देखिए कर्नाटक, छोटे मतलब बच्चे होते हैं नाटक करते हैं, या कोई भी करता है, भाई नाटक क्यों कर रहा, बगल में उसको बैठा लेते हैं, नाटक मत कर, बगल में बैठ, ठीक है, बंगलुरु, बंगल में बैठ, नाटक मत कर, ना नाटक कर, बगल में बैठ आकर। ओके,
तो मंगलुरु हुआ सिंपल, कभी नहीं भूलेंगे। अगला है महाराष्ट्र, मुंबई है भाई। महान लोग, यहाँ महान का मतलब भाई वो नहीं कि हमारे जैसे स्वामी विवेकानंद जी और जो भी APJ अब्दुल या फिर और जितने भी भगत सिंह, यही महान की बात नहीं होती, जो रिच मैन है उनकी बात होती है। तो कहाँ है, कौन से स्टेट पे अधिकतर मिलेगा आपको, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ, मुंबई में। सिंपल तरीके से याद हो गया, महान महा जो रिच है मुंबई में है भाई, सिंपल है। उड़ीसा है भुवनेश्वर, उड़ीसा बोलते ना ओढ़ली चुनरिया मन तेरी नाम की, जो जब भी दुल्हन होती है ओढ़ कर चुनरिया आती है, कहाँ पर, भवन पर, हमारे भुवनेश्वर भवन पर, और हम ईश्वर की पूजा वगैरह सब वहां करते हैं, ठीक है, भुवनेश्वर ईश्वर की, ठीक है, वहां पर सारा कुछ करते हैं जब ओढ़ के, नई नई दुल्हनिया हमारे भवन पर आती है भुवनेश्वर, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। पश्चिम बंगाल आता है कोलकाता, कोलकाता, ठीक है, जब भी हम कॉल करते हैं तो जैसे कॉल किया ऐसे, ठीक है, क्या करते हैं कि ऐसे, ये कॉल तो मतलब गाल में कान के सीधा साइड पे चिपका लेते हैं फोन, कॉल बंगाल गाल में अपना फोन चिपका लेते हैं, ठीक है, इस तरह भी याद कर सकते हैं। या फिर सिंपल जैसे कि कॉल करना है ना, अगर किसी से पश्चाताप करना है या किसी को भरा बुला कह दिया आज के जमाने में, बुरा मान गए तो यार चुपचाप उसको कॉल कर लो, एक शांत सारा मैटर कर लो, ठीक है, क्योंकि यार छोटी सी जिंदगी, उसमें आप क्या दुनिया भर के इधर उधर टेंशन पालना, तो चुपचाप एक कॉल कर लो, सारा मैटर शांत है ना। तो अगर आपको रिग्रेट हो रहा है, किसी को बारा बुला कह दिया भाई, तो कॉल कर लो ना, सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीका, ओके। कोई रूठ गए तो मना लो भाई, एक कॉल कर लो। राजस्थान आता है जयपुर, राजा की हमेशा जय जयकार होती है, ठीक है, राजा जो होता है हमेशा जय जयकार होती है, आज के राजा नहीं लेकिन गवर्नमेंट में जो भी है भाई बड़े बड़े, तो उनके जय जयकार होती है, ठीक है, तो यहाँ सिंपल आप समझ सकते हैं। अगला है पंजाब, पंजाब के है चंडीगढ़, और यहाँ हरियाणा भी चंडीगढ़ है भाई। क्या होता है कि आज के जो हम लोग है ना, तो यार हम क्या करते हैं कि चड्ढी लेने के लिए भी पैसे नहीं होते, वो भी घर से मांगना पड़ता है, आज के जो हालात है ना, तो इसके लिए हमें जॉब करना पड़ता है, जॉब पंजाब जॉब करना पड़ता है, ताकि यार ठीक ठाक अपना खर्चा चला ले, तो जॉब करना पड़ता है पंजाब चंडी, या फिर जॉब मिली किसकी, हरी चड्ढी बेचने की, हरी हरियाणा है ना, दोनों इसको साथ साथ लिखना चाहिए, हरी हरी चड्ढी बेचने की हमें भैया जॉब मिली, और जॉब किसको नहीं चाहिए यार, करना ही पड़ता है, तो जॉब मिली किसकी, हरी चड्ढी बेचने की, ठीक है। अगला है भाई हिमाचल प्रदेश, क्योंकि दोस्तों आपको क्या लगता है, जो हम तैयारी करते हैं अगर हो गए तो बहुत ही अच्छा, नहीं होता तो कसम से ये सारा एक्सपीरियंस किताबें कापी का जो भी ज्ञान धारक धर रहता है, आपसे कोई बाहर नहीं पूछने वाला कि आप क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस है उनके हिसाब से, जो भी कंपनी है कुछ भी है तो ठीक है, वरना आपको कह दो कि मैं भाई 5 साल 10 साल तैयारी करके आए चीज की, भाई रख तू उधर, वही करेगा जो 12वीं पास वाला कर रहा है, ऐसे होता भाई। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि हरी चड्ढी बेचने का हमें जॉब मिला, क्योंकि इसमें एजुकेशन हमारी क्या है, ठीक है, तो यहाँ से आपको इस तरह समझ में आ जाएगा। अगला दोस्तों क्या, हिमाचल प्रदेश है, शिमला है, या फिर धर्मशाला भी आप कह सकते हैं, शीतकालीन और ये बस क्या बोलते हैं गर्मी, शीतकालीन और क्या होता है यार, कौन सा ऋतु होता है शीतकालीन और गर्मी, क्या बोलते हैं, बसंत, क्या यार दिमाग में नहीं आता। तो यहाँ पर दोस्तों ठीक है, यानी शिमला, तो अभी शिमला दोस्तों क्या होता है, हिमाचल, तो जब हम चलते हैं कहाँ पर, हिम में, तो क्या कैसे बोलते हैं, शी, 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 क्या ठंडी बहुत होती, तो सीसी की आवाज निकालते हैं कि ठंड का सीजन में चल रहा, तो सीसी करते हैं, ठीक है, याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे, शिमला, ओके। अगला दोस्तों है गुजरात, जो कि गांधीनगर, गुजर गए भाई, गुजर गए हमारे गांधी जी, ठीक है, मतलब यार उनका दौर गुजर गया, उनके जो समय था वो गुजर गया, वो खुद गुजर गए, तो इस तरह याद रहे, गांधी जी गुजर गए गुजरात, गांधी जी गांधीनगर, ठीक है। अगला है झारखंड, झार चाची, हमारी जो चाची भाई बहुत ही झगड़ालू, बहुत बिल्कुल झार, मतलब बोल ना झराही ऐसे टाइप की, चिंचिनाना क्या बोलते हैं, तो उसको क्या, झार चाची, झार रांची, झार चाची, ओके, कभी नहीं भूलेंगे। हरी चड्ढी की जॉब मिली, तो सिंपल ही है। बिहार आता बिहार पटना, तो बोलते ना कि पटा लोगे, एक गाना है ना, पटा लोगे पटना की लड़की को, ऐसे कुछ है यार, याद नहीं आता,
तो करना पड़ता भाई, ब्याह करोगे तो ये सारा कुछ या फिर ऐसे ही हो जाता, वरना भाई ये सिंपल से वर्ड है और कुछ मतलब नहीं है भाई। बिहार मतलब ब्याह करने से पहले पढ़ाना पड़ता है, अगर अपने हिसाब से मिल गया तो ठीक है यार, अपना जो भी है मैच हो गया तो अच्छा रहता है। इसलिए दोस्तों एक एक वर्ड तो अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। पटना, पटना मतलब पटाना पड़ता है शादी करने से पहले, अगर शादी करना है तो पटाओ, मतलब पटाओ इट्स अ वेरी बैड वर्ड है ना। तो ठीक है, याद रह गया आपको बिहार, ठीक है। देखिए अगला दोस्तों क्या है, असम, असम की दिसपुर है, बोलते ना कि असम, दो असम संख्याओं का योग आप ऐसा बताइए जो 10 होता हो, दिसपुर। तो क्या आप बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए, दो असम संख्याओं का योग बताइए जो दिसपुर 10 होता हो, कभी नहीं बोलेंगे। अगला दोस्तों सिक्किम है गंगटोक, सिक्का, वो सिक्का, सिक्का डालो गंगा मैया की, मतलब ठीक है गंगा मैया में, तो सिक्का उसका क्या मिलेगा भाई, उसका क्या मिलेगा। हाँ ठीक है, मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, ठीक है, संतुष्ट हो जाते हैं। सिक्किम, सिक्किम मतलब सिक्का कहाँ डालते हैं, गंगा में, गंगटोक, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। अगला भाई है त्रिपुरा, अगरतला, वैसे कैपिटल यहाँ से पूछी जाती है जब भी अगर आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे, तो अधिकतर जो भी ईस्टर्न ईस्टर्न है स्टेट वहीं से त्रिपुरा आता है अगरतला। भैया क्या होता है कि त्रिपुरा अगर टपरक से निकलता है ना, कि भाई की कोई ऐसा झोपड़ी या फिर ऐसा कुछ थोड़ा से इस तरह का घर है ना, तो झोपड़ी टाइप का टपरा, टपरम, अगर अगर ताला ना लगा, अगर तला ना लगा भैया तो क्या हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, है ना। तो अगर तरह त्रिपुरा, त्रिपुरम, अगर ताला ना लगा तो चोरी हो जाएगी। मिजोरम भाई, मिजोरम, मजे, मिजो, मजा आई, मजा, मिजो, मजा आई, आई जॉल, मजा आई भैया, ये जॉल से निकल गया था। जैसे बोलते ना कि जैसे मैं इस समय अगर सच्ची बताऊं तो आई एम वेरी सच में फील कर रहा हूं कि यार इस जॉल से, जो प्रिपरेशन करने वाला जॉल है, इससे मैं निकल पाया, ठीक है, मतलब खुशी है, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। तो क्या होता कि मिजोरम, मजा, मजा आई भैया ये जॉल से निकल कर, वास्तव में काफी मतलब ठीक है, मिजोरम आई जॉल से निकल कर। अगला दोस्तों है नागालैंड, नागालैंड है कोहिमा, नागालैंड है कोहिमा, तो नाग बोलते ना कि नाग देख लिए, एक बच्चा था उसने नाग देख लिए, तो भाई को मम्मी से बोलता, मम्मा, माँ, हे बा, कोई है माँ, वहां पर कोई है, क्या है, नाग है, नाग को देख लिए तो कोई है, और नाग भाई तुरंत छुप जाएगा, तो यहां से क्या होता, नाग, कोहिमा, मम्मी से बोलता कोई है माँ उधर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो देखिए नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश होता ईटानगर, अरुणा, ए अरुणा, एक बंदा आया, लड़का आया, बोला ये अरुणा चल ना, तो अरुणा भाई हॉट कठोर दिल की थी, उसने बगल में रख रहा ईटा, अब वो पकड़े मार के फेंक दी, तो वही क्या पूरा माथे फूट गया, है ना। तो ठीक है, याद रहेगा कि भैया एक आया लड़का को समझो, तो वो अरुणा से बोलीस, कहा था ए अरुणा चल ना, तो अरुणा ने ईंटा रखा रहा, ईंटा मारे उसको भाए दे, पूरा माथे फूट गया, ठीक है। तो इस तरह आपको याद रहे, तो अरुणा ईटानगर। अगला दोस्तों मेघालय, शिलोंग, बोलते ना मैं गया और शिलोंग, सेलो से लग गया, किससे लग गया, मैं घायल हो गया, शिलोंग इससे लग गया, ठीक है, मैं घायल हो गया, शिलोंग से लग, ये लग गया, कोई टेबल वगैरह था तो ये लग गया और मैं घायल हो गया, से लगा और मैं घायल हो गया, ठीक है, याद रहेगा, नहीं बोलेंगे। अगला है मणिपुर, मणिपुर का है इम्फाल, बोलते ना कि भाई यार दो चार स्टडी कंबाइंड होती है ना, बोलते हैं भाई मन में पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा, मणिपुर, मन में पढ़ना वरना फेल हो जाएगा, क्योंकि तेजी तेजी पढ़ेगा तो यार सबको डिस्टर्ब होगी, इसलिए बोलते हैं यार मन में पढ़ना वरना हम भी फेल हो जाएंगे, तुम भी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम भी बोलेंगे किसी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मन में पढ़ो भाई, फेल नहीं होगे, इम्फाल, सिंपल है। अगला तेलंगाना भाई, हैदराबाद, तेलंगाना भैया, गाते गाते तो दरबार में कोई गया, मैंने ऐसे ही दरबार था तो वहां पर मैंने गाना चालू किया और गाते गाते मेरा तेल निकल गया, इतना गाया कि मेरा तेल निकल गया, तेल मीन्स की आई एम वेरी टायर्ड, ठीक है। तो ठीक है यार, तो यहाँ से गाते गाते मेरा तेल निकल गया, मतलब दम पूरा निकल गया, ठीक है, हैदराबाद दरबार में, ठीक है। अगला दोस्तों उत्तराखंड,
उत्तराखंड देहरादून है, उत्तराखंड बोल देना कि अगर कोई भी उत्तर टीचर हमें बोलते हैं तो अगर दूर होते हैं जो पीछे वाले बच्चे उनको समझ में नहीं आता सो तो बोलते हैं सर दोहरा दो ना, प्लीज एक बार दोहरा दो ना, देहरादून दोहरा दो ना उत्तर, है ना, याद रहेगा। अगला दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है दोस्तों क्या है, रायपुर। तो एक किस्सा है, अगर आप इसको कास्ट वगैरह से रिलेट ना कर पाए तो एक हम बचपन में से जैसे छोटे में सब भाई बहन लेटते थे साथ में तो आप ऐसे जनाया करते थे जिसके जो भी बोलते ना छत्तीस को देखकर याद आए कि छत्तीस कुलरा छत्तीस लोहार कटे न कटे चमेली के डार, ऐसे बोला करते थे। और यहाँ कास्ट वास्ट कोई मतलब नहीं, एक किस्सा है दोस्तों। तो अगर आपको सच में सुने हो या फिर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, छत्तीस कुलरा और छत्तीस लोहार कटे न कटे चमेली के डार, तो ऐसे जनाया करते। तो यहाँ से आपको याद आ जाए कि छत्तीस बोलते ना छत्तीस गुणी वाले, छत्तीस गुण मिला लेना, तो राय लोग मांगते हैं छत्तीस राय ले लें, ऐसे तमाम बना सकते हैं कि छत्तीस भैया राय, अगर गुण मिलाना है, गुण मिलाना है किसी से, छत्तीस गुण मिलाना है तो राय लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो राय, राय फॉर छत्तीसगढ़, ओके, छत्तीस छत्तीस राय लेते हैं भैया किसी भी काम में करने से पहले, ऐसे समझ सकते हैं। तो 2800 नंबर का जो भी है, 28 नंबर से मतलब नहीं, एक मैंने यहाँ पर स्टेट नहीं लिखा है, उसको आपको कमेंट में ध्यान से देखिए कौन इसमें मिस है, कमेंट में बताइए और उसका आप ट्रिक ऐसे बनाएंगे जैसे स्टेट है उसको ट्रिक बनाकर एक अच्छे से कमेंट कर देंगे, और मैं जिसका कमेंट में लाइक होगा अच्छा रहेगा ट्रिक तो उसको दोस्तों मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। देखता हूँ आप में से किसका ट्रिक अच्छा रहेगा और कौन ध्यान से देखता है उसका मतलब स्टेट निकालता है इसमें से, ठीक है, ओके। कमेंट जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, मैं पिन करने वाला हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की, तो यहाँ पर देखिए 8 यहाँ पर यूटी हैं और 28 राज्य हैं, ठीक है। 8 यहाँ पर देखिए, बहुत ही सिंपल इसको याद करना, दिल्ली की तो दिल्ली है भाई, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप की कवरत्ती, याद रखेंगे ऐसे भाई, बोलते ना लक्ष्य ऐसा बनाओ, ऐसा मतलब लक्ष्य होना चाहिए जो हमारा कवरत्तिया था ना कवर, जो लक्ष्य जब भी बनाओ ना तो अपने माइंड में टाइम फिक्स करो, माइंड मैप फिक्स करो, कहाँ से कहाँ जाना है और क्या क्या करना है और किन किन चीजों को छोड़ना है, मतलब पूरा कवर करो अगर लक्ष्य बनाओ किसी चीज का, मतलब ये है। तो यहाँ से आपको याद भी हो जाएगा लक्ष्य बनाने के लिए भाई सब कुछ करना पड़ेगा ताकि तय समय में वो कवर भी हो सके, कवर कवरत्ती, ठीक है, लक्ष्य ऐसा ही हो कि वो समय पर कवर हो जाए, ओके, सिंपल है, कभी नहीं भूलेगा। पौंडीचेरी आती, पौंडीचेरी भैया पौंडी पौंडी, सिंपल है, पौंड मीन्स तालाब, समझ सकते हैं तालाब में पानी होता, पानी पानी से मिलकर पानी बनता भाई, है ना, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से याद आ जाएगा। अगला है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार मतलब पोर्ट ब्लेयर, याद रखें कैसे, अंडा अंडा जो लोग जब फोड़ते, मैंने देखा है, नो एक्सपीरियंस, कभी मैंने टच भी नहीं किया उस तरह, मतलब करके टोटली आई हेट। तो दोस्तों जो भी अपना फोड़ते वगैरह है अंडा, तो उसको क्या करते हैं जब भी फोड़ते हैं या बनाते हैं कुछ भी, तो भैया पोर्ट करते हैं ना, पोर्ट मतलब उंडेलते हैं, पोर्ट ब्लेयर अपना जो भी पैन है होता है, तो उसमें पोर्ट करते हैं किसको, अंडा को फोड़ कर, तो अंडमान पोर्ट, पोर्ट करते हैं, कभी नहीं भूलेंगे भाई। अगला भाई जम्मू, जम्मू तथा कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू मतलब यार ठंडा की इलाका, बर्फीला इलाका, तो वहां पर जाएंगे तो क्या होगा, श्री श्री मतलब सी सी करेंगे, ठीक है, ठंडी बहुत तरीके से सी सी की आवाज निकलेगी ऑटोमेटिकली ही, ओके। आगे दोस्तों लद्दाख है, लेह है, लद्दाख लद लेह, आप लोग गांव से होंगे तो जानते हैं लेह, लेह करना, लेह करना, जब धान लगाने से पहले खेत को ट्रैक्टर से गूंथा जाता है ना पानी भर कर, तो उसको लेह बोला जाता है। तो वहां पर जब भी हम जाते थे अंदर घुसकर, तो भाई लद लद गिरते थे, मतलब पांव इतना पूरा चला जाता अंदर, तो गद्दे से गिर जाते थे इस तरह, मतलब कहीं गड्ढा मिले कहीं कुछ मिल गए तो गिर जाते थे, लेह लद लद गिर जाते थे, ठीक, तो मतलब लथेड़ देते एक तरीके समझो, लद लद लथेड़ देना लेह में, ठीक है। अगला है भाई क्या है, ओ भाई मुझे याद आया, किसी ने कमेंट किया कि भाई आप मार्कर बार बार क्यों बंद करते, तो भाई आदत हो गई, मैं क्या करूं यार, मैं इसको बगली रख देता हूं, ठीक है, क्योंकि वास्तव में थोड़ा से डिस्टर्ब होता है इधर, बार बार कट कट की आवाज आती है। दादर व नगर हवेली एवं दमन तथा दीव, ये दोस्तों एक ही है, तो इसकी कैपिटल है दमन, याद रखेंगे दादर, भैया दादा की हवेली थी नगर में, उसमें हम
दमन, दम से मतलब दमन से एक तरह के शारीरिक पूरे तरीके से हम वहीं पर रहे, ऐसे समझ सकते हैं कि दादा की नगर में हवेली थी भैया, वहां पर दम लगाकर रहते थे, दमन मतलब दादा जी के दामन पकड़कर, हाँ ये अच्छा वर्ड है, दामन पकड़ के, दामन के साथ उस हवेली में दादा जी के साथ हम रहते थे, ठीक है, दमन दामन पकड़ के सिंपल तरीके से रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे भाई, बहुत ही अच्छी ट्रिक बन गई है, मुझे लगता है कभी जो भी नए हैं याद करने में समस्या जाती है तो ये आपको याद हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं, सारे को दोस्तों अपडेट है, कोई दिक्कत है नहीं है, बस आपको 28 जो कि एक राज बचता है इसका आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो मेरी बात रही दोस्तों, तो मुझे तो अभी कुछ करना ही पड़ेगा, और साथ साथ काफी कोशिश करता हूँ कि क्लास भी चलती रहे, लेकिन देखता हूँ, बस आते आपका अगर ठीक ठाक से प्यार मिलता रहे ना इसमें, तो मुझे करने की जरूरत मतलब उस तरह ना पड़े, बहुत यार मेहनत किया मैंने बहुत इन दिनों, मतलब पिछले 2023 पूरा इसे गया, तो आप वास्तव में अगर अच्छी लगे ट्रिक कमेंट करिएगा, कंटिन्यू हो या ना हो, क्योंकि दोस्तों बीच में काफी गैप अप हो गया है, तो हो सकता है काफी लोग यहाँ पर नया आए छोड़कर चले गए हों, तो अगर आपको हमारी क्लास वास्तव में अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताइएगा कैसे क्या लगता है, तो कंटिन्यू भी हो सकती है भाई, क्योंकि यार तकलीफें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोड़ दो बीच में, लेकिन क्या करूं भाई, मजबूरी बहुत ज्यादा हो जाती तो करना ही पड़ता है जब आगे का कुछ रास्ता दिखता नहीं है ना, तो ठीक है भाई, जो भी है मस्त है, आप पढ़िए और देखिए अपना, साइड में कुछ करते रहिए अगर पॉसिबल आपके मतलब कोई समर्थन में ना हो, खुद ही आपको सारा कुछ आगे करना है, ऐसे सोचिए कि यार अगर ये नहीं हुआ फिर भी मुझे सब कुछ करना है, तो उस तरह आप दूसरा रास्ता मतलब साथ में देखते रहिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। तो ठीक है दोस्तों, विश यू हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर सभी को, बस नए वर्ष में ऐसा कुछ करिए कि भाई आपका एक दो मतलब एक दो क्या है आपका इतना सा भी टाइम वेस्ट ना हो, और आप 2024 को 4 चांद लगा दें इसमें, ऐसा कुछ करिए, मौज तरीके से, मौज मस्ती यार बहुत हो गई है, ठीक है, अब 2024 आप डेडिकेटेड के साथ कुछ अपना लक्ष्य के प्रति ऐसा डट जाइए कि अब बस हो गया बहुत, ये नहीं तो वो मतलब ये नहीं तो जैसे गवर्नमेंट जॉब है भाई, अगर इसमें भाई लिमिट सीट है, कोई क्या कर सकता है कितना भी, है ना, तो ऐसे आप समझ सकते हैं, बाकी आप सब लोग जो भी है मस्त है, जानते हैं कैसे क्या होता है, लेकिन आप ये सारे कुछ विचार करके चलिए कि भाई आने वाले 5-10 साल में कहाँ से क्या होने होंगे या करते रहेंगे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा लाइफ के लिए, ओके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, अगली क्लास में अगर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत ही जल्द आएगी, और किस टॉपिक पर आएगी ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।